सो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि लिस्ट क्या होती है और हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट देखी थी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाते हैं, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बना रखा है वेब डिजाइनिंग नाम से, उसमें जाके हम लोग अपनी फाइल बना लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ ul.html से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके अपना HTML टैग लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे मेरा ये टैग कंप्लीट हो जाए। सबलाइम टेक्स्ट की यही खास बात है कि आप जो भी लिखते हैं उसके लिए वो हिंट देता है और ऑटो कंप्लीट करता है। अब लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको ol लिखना पड़ता है, वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको ul लिखना पड़ता है। सो ul का आप स्टार्ट टैग करेंगे और एंड टैग करेंगे। इसके बाद आपको जो भी आइटम इस लिस्ट में डालने हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं li टैग, और li के बीच में आप यहां लिखेंगे अपना जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। लाइक मैंने होम लिख दिया, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूं। यहां पे मैं टाइप कर देता हूं कैटेगरी, उसके बाद हम लोग लिख देंगे लाइक अबाउट अस। सो मैं टाइप करता हूं अबाउट अस, उसके बाद हम टाइप करेंगे कॉन्टेक्ट अस। सो होम के प्लेस में मैं लिखता हूं कॉन्टेक्ट अस। अब इस फाइल को वापस से कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर में क्लिक करके हम इसको ब्राउजर पे देख सकते हैं। सो आप लोगों को दिख रहा होगा एक आउटपुट आ गया है जिसमें डॉट्स लगे आ रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में यही डिफरेंस होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग आती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट्स आते हैं। आपको ये भी दिखेगा कि जितने भी हमारे बुलेट्स या डॉट्स आ रहे हैं उनके पीछे एक स्पेशल मार्जिन या स्पेशल स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट में आता है। सो इसको वापस ओरिजिनल व्यू पे ले जाते हैं। परफेक्ट। सो आई होप आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट आई समझ में आई होगी। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, उसमें हम सीखेंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।